हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट नेटवर्क में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जो है उर्मिला से कॉल आना शुरू हो चुका है। यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग विभाग से कॉल आ रहा है। जैसे कि कुछ लोगों को PHED से कॉल आ रहा है, कुछ लोगों को पंचायती राज विभाग से कॉल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों को LRC का भी कॉल आ रहा है। तो यहाँ पे LRC में कॉल आने के बाद यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बाद में कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाऊँगा, जो कि एक कस्टमर केयर द्वारा किसी कैंडिडेट को कॉल किया गया था और उन्होंने बात किया था। तो पहले आप सबसे पहले उस रिकॉर्डिंग को अच्छी तरह से सुन लेना, क्या क्या बोला गया उसमें। उसके बाद मैं आपको वीडियो में बताता हूँ कि क्या क्या यहाँ पे जो बताया गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। इसमें 534 लोगों का रिजल्ट आया, जिसमें 134 लोगों का ही मतलब ज्वाइनिंग हो पाएगा। हाँ, तो आप अगर करना चाहते हैं तो आप कहाँ है अभी? आप हम घर पे हैं, गोपालगंज में हैं या फिर क्या बोलते हैं पटना में? नहीं, गोपालगंज में, मेरा डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज पड़ता है, हम कटिया थाना से बोल रहे हैं। हाँ हाँ, पता है आपको जो सही है। अगर आप करना चाहते हैं, वहाँ हम कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, हम आपको साइट से कॉल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ करवाया जा रहा है मतलब कैंडिडेट का। मैंने कहाँ पर? भूमि राजस्व विभाग आपके ही जिला में होगा, नहीं तो सिवान में होगा, दोनों में से कहीं होगा आपका जॉब। हाँ 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 हाँ, तो क्या आपका क्या इसके लिए, इसके लिए कुछ लगेगा आपको? जब पैसा लगेगा, बात सुन लीजिए, पैसा लगेगा, पैसा के बिना नहीं होगा। मतलब लेटर ऑर्डर नहीं आएगा इस तरह? हाँ आएगा, सब चीज आपका नाम डालेंगे मेरिट लिस्ट में, तभी तो। 534 लोगों का सबको ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा, जो मतलब सबको हम लोग कॉल कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं उसके लिए पैसा लगेगा। अच्छा अच्छा, हाँ पास तो बहुत लोगों का है ना। 7,300 लोग एग्जाम दिए थे इसमें। हाँ हाँ हाँ, भूमि विभाग के लिए आए तो बहुत एग्जाम तो दिए, 17 लाख कैंडिडेट, लेकिन हर विभाग के लिए अलग अलग एग्जाम दिए थे। भूमि राजस्व विभाग में 7,300 लोगों ने एग्जाम दिया था। तो सर आप कहाँ ड्यूटी करते हैं? हम वही ड्यूटी करते हैं, कहाँ पर? बेल्टॉन में करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। अभी मतलब कहाँ पर करते हैं? गोपालगंज में? नहीं, पटना में हम करते हैं, पटना में। अच्छा, पटना में करते हैं। पटना में करते हैं। जो आज का ऑफर लेटर निकला है 202 है, वो सही है गलत? वो अभी ऑफर लेटर नहीं है, वो अभी ऑफर लेटर हम लोग जब डालेंगे तब होगा। बिलेटरन अभी तक किसी को सबमिट ही नहीं किया, गवर्नमेंट को हम लोग अभी दिए कहाँ है। अच्छा अच्छा, गवर्नमेंट को देंगे तभी तो। बिलेटरन जो आपको पता है, इसका एड्रेस है बलदेव भवन। हाँ। रोड शास्त्री नगर पटना में है। तो क्या करना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा? हाँ, इसके लिए पैसा लगेगा आपको। क्या चार्ज लगेगा सर? 2.5 लाख रुपए लगेगा। 2.5 लाख? हाँ, गवर्नमेंट जॉब भी तो है। हाँ हाँ, ये तो बात सही है। आप करना चाहते तो बता दीजिए, नहीं तो फिर हम होल्ड पे रखेंगे सीट को, वरना हम आगे बढ़ा देंगे किसी और को। अच्छा, ऑफर ऑफर नहीं आएगा बेल्ट्रॉन से का इस तरह? नहीं, जब तक हम लोग मेरिट लिस्ट में नाम नहीं डालेंगे तब तक ऑफर कैसे आएगा आपको? तो बात सही है। दूसरे विभाग से नहीं आएगा? किसी भी विभाग से नहीं आएगा। आप पास नहीं किए तो कहाँ से आएगा? क्या, जब आप पास किए हैं, अगर पास किए होते या फिर ऐसा कुछ आपका होता तो? पास किए हैं ना हम? हाँ पास तो बहुत, कथा तो रहे कि बहुत सारे लोग पास किए हैं भाई, बहुत 7,311 कैंडिडेट पास हुआ है, बहुत सारे कहाँ पास हुआ है। तो इसमें जॉब तो सारे लोगों का नहीं होगा, इतना इतना सीट तो नहीं है बिहार गवर्नमेंट के पास। सबका तो हो ही रहा है, 4,000 प्लस तो हो ही गया है। नहीं हुआ अभी, अभी जो होगा होने वाला है ना, अब वो स्टार्ट हो रहा प्रोसेस। 2019 के बाद जो है 20 में हुआ था, उसके बाद फिर अब स्टार्ट हो रहा प्रोसेस। गवर्नमेंट अब मांगी है बिलेटोन से। हाँ। नोटिफिकेशन अब आया है बिलेटोन के पास कि गवर्नमेंट मांग रही है।
तो जिसमें 134 लोगों का ही नाम देना है हम लोगों को। 134 हाँ 134 को। 1000 प्लस आया है, 1100 के तकरीबन आया है, तो ऑफर सुने हैं कि इस महीने का लास्ट तक मतलब देगा बेल्ट्रॉन। बेल्ट्रॉन नहीं देगा अभी किसी को ऑफर, अगर आपको लग रहा है तो। अगर हम 10 दिन में आपका जॉब करवा कर देंगे, अगर आपका हो रहा है तो आप कर लीजिए, 10 दिन के बाद आप हमको ज्वाइनिंग लेटर भेज दीजिएगा। ठीक है रखते हैं। ठीक है, क्या नाम पड़ेगा आपका सर? नाम अगर आप हमसे मिल सकते हैं आप आके, नाम हम नहीं बता सकते इसलिए क्योंकि हम वहाँ जॉब करते हैं ना, मेरे जॉब पे ये हो जाएगा। ठीक है सर, हम सोच के बताएंगे। हाँ सोच लीजिए आप। ठीक है। ठीक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने अच्छी तरह से रिकॉर्डिंग को सुन लिया है, तो ये जो कॉल है फ्रेंड्स ये पूरा फेक कॉल है। ठीक है, इस तरह से कॉल से आप बच के रहना हमेशा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पूरा फर्जी कॉल है ये, ठीक है, इस तरह अगर कॉल आए आपको तो आप सबसे पहले एक बार बेल्ट्रॉन ऑफिस पता कर ले, या फिर आपको इसके बातों से पता चलेगा इसको बात करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, अगर बेल्ट्रॉन कॉल सेंटर से कोई कॉल आता है तो उनको बोलने का बोल चाल करने का थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, आपसे किसी तरह बोला जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर पकड़ सकते हैं कि ये रियल है फेक है। और दूसरी बात फ्रेंड्स, यहाँ पर LRC से कोई बाहर से कॉल नहीं आता है। ठीक है, जो रिक्वेशन बेल्ट्रॉन के पास जाती है उसके अनुसार यहाँ पे लोगों को ज्वाइन करवाती है बेल्ट्रॉन। यहाँ पे पैसे का डिमांड किया गया है, बेल्ट्रॉन में कोई भी पैसे का यहाँ पे डिमांड नहीं किया जाता है बेल्ट्रॉन में। ठीक है, बेल्ट्रॉन यहाँ पे साफ कहती है कि इस तरह के फर्जी कॉल से आप बचें और आप नज़दीकी थाने में रिपोर्ट कर सकते हैं। आप इस कॉल को थाने में भी रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे कॉल फेक है। ठीक है, ये कोई कॉरपोरेटर नहीं है, कहीं पे काम नहीं करता है, ये सारे आपको ठगने के लिए है। ठीक है, आपको बुलाया जाएगा, आपके पैसे ले जाएंगे, आपको ये बोला जाएगा कि आप यहाँ पे कुछ पैसे जमा कर दो, उसके बाद कुछ दिन बाद आपको यहाँ पे ज्वाइन लेटर मिल जाएगा और आप LRC में जाके ज्वाइन कर लेना। तो इसका कोई भरोसा नहीं है फ्रेंड्स, ये बाहरी व्यक्ति है, ये खुद बोल रहा है, ये बाहरी व्यक्ति है। इसको पैसा दोगे, पैसा देने के बाद आप इसको ढूंढते रह जाओगे, उसके बाद आपको ज्वाइन लेटर भी नहीं मिलेगा और पैसा भी आपका पानी में चल जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप फेक कॉल से आप दूर रहना। इस तरह अगर कॉल आए तो आप उल्टे उसको जवाब दे सकते हैं। ठीक है, और पहली बात की अगर बेल्ट्रॉन ऑफिस से कॉल आता है तो आपको बातों से पता चलेगा। ठीक है, उसको बोलने का तरकीब कुछ अलग रहता है, उसको बोलने का एक्सपीरियंस जो है वो अलग रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है टोटली ये जो है फेक कॉल है। ठीक है, इससे बचे रहिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे पैसे देकर जॉब लेना गलत बात है, अगर आप जॉब ले रहे हैं तो मेहनत करके जॉब लीजिए। ठीक है, पैसे देकर जॉब लेके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आपको खुशी नहीं मिलेगी जॉब करने में। तो फ्रेंड्स इस तरह के बहुत सारे लोगों को कॉल आ रहा है। ठीक है, ये सारे फेक कॉल है, इससे आप हमेशा बच के रहना। ठीक है, तो इसके बातों से पता चलेगा ये फेक कॉल है, इसको आप उल्टे जवाब दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोग अलर्ट हो चुके हैं, मैंने आपको अलर्ट कर दिया है। तो इस तरह की फेक न्यूज़ से आप दूर रहना, आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप वॉचिंग।